इस ना संभालेंगे या संगठन को बनाएंगे या उसी रास्ते में अगर अच्छा दोस्त मिलेगा तो दोस्ती कर लेंगे। नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन कल बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी ने इस मौके को एक बड़ा राजनीतिक उत्सव के रूप में मनाने की तैयारी की है। रांची के ध्रुवा गोल चक्कर मैदान में मिलन समारोह की तैयारी की जा रही है। इसी मैदान में चंपाई सोरेन कल बीजेपी के कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में कमल का दामन थामेंगे। और अधिक जानकारी दे रहे संवाददाता गौरव झा। कोल्हान टाइगर के नाम से जाने जाने वाले चंपाई सोरेन की स्वागत की तैयारी भारतीय जनता पार्टी रांची के ध्रुवा गोल चक्कर मैदान में कर रही है। कल दोपहर के 2 बजे चंपाई सोरेन यहां पर ही भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे और कल इसी मैदान में चंपाई सोरेन के हजारों समर्थक पहुंचने वाले हैं। चंपाई सोरेन को भाजपा ज्वाइन करने से पहले भाजपा के जो आला नेता है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो बाबूलाल मरांडी, उनके साथ साथ प्रदेश के प्रभारी हो लक्ष्मीकांत वाजपेयी और चुनाव के प्रभारी और सह प्रभारी शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी राजधानी रांची पहुंच गए हैं। राजधानी रांची में तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो इस चीज की तैयारी कर रहे हैं कि कल यहां पर चंपाई सोरेन अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचेंगे और यहां भाजपा की सदस्यता लेंगे। भाजपा की सदस्यता को लेने के साथ साथ एक संदेश देने का प्रयास भी भाजपा ये करेगी कि भाजपा एसटी समुदाय के जो लोग हैं उससे अछूते नहीं है और उनके नेता भी उनके पार्टी में बड़े ऐसो आराम और शौक से रहते हैं। अगर कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन की बात करें तो चंपाई सोरेन के इलाके में यानी सरायकेला के इलाके में उनके घर का कलर आज भगवा हो चुका है। यानी जो पिछले 40 से 41 वर्षों से हरे रंगों की राजनीति कर रहे थे, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति कर रहे थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य थे, उन्होंने अब जब भाजपा का दामन थामने का ऐलान किया है तो कल इसी मैदान में चंपाई सोरेन भाजपा में शामिल होंगे। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। तो चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल, शानदार स्वागत की भव्य तैयारियां की जा रही और इस मौके पर ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी के कई बड़े नेता रांची पहुंच रहे हैं। तो कई आज भी पहुंच गए, जिसमें झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री तो जासूस निकले, एक डरा हुआ मुख्यमंत्री अपने मंत्री की जासूसी करा रहे और एक की जासूसी नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन में जितने मंत्री और विधायक है सबकी जासूसी हो रही है। और 2 महीने जिसको मुख्यमंत्री रहना है वो 1 महीने का मंत्री भी बना रहे हैं। चंपाई सोरेन जी का जो अपमान किया है, जिस ढंग से मुख्यमंत्री रहते हुए उनके साथ व्यवहार हुआ है, अच्छा काम कर रहे थे वो, झारखंड को पटरी पर लाने की उन्होंने कोशिश की, गलत वसूली करने वालों के काम रोके और उसका बदला चुकाना पड़ा। अपमानित होकर उनको इस हद तक आहत किया गया कि झारखंड बचाने के लिए उन्होंने जेएमएम छोड़ दिया। जेएमएम तो अब जासूसी मोर्चा हो गया है। तो कल झारखंड में बीजेपी का बड़ा सियासी शो होने जा रहा है, जिसके लिए झारखंड बीजेपी के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी रांची पहुंच चुके हैं। कल के कार्यक्रम को लेकर उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं के लिए हर दिन ऐतिहासिक होता है और चंपाई सोरेन के बीजेपी में आने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी। पार्टी का हर दिन ऐतिहासिक होता है और कार्यकर्ता के लिए हर दिन ऐतिहासिक होता है, कोई दिन विशेष ऐसा नहीं होता। और ये मानकर चलिए पार्टी जो कर रही है वो ठीक कर रही है, उसका परिणाम अच्छा आएगा। क्या प्रभाव होगा पार्टी को, क्या रिटर्न? मैंने कहा ना, परिणाम अच्छा आएगा।
नहीं सर, ये कोल्हान टाइगर कहे जाते हैं क्या बीजेपी को पूरे प्रदेश में इनके व्यक्तित्व? एक लाइन में मैंने कहा है कि पार्टी के निर्णय का लाभ पार्टी को भी मिलेगा, झारखंड को भी मिलेगा। जेएमएम का आरोप है कि बीजेपी ऐसे ही परिवार तोड़ती है। आरोप लगाने वाले अपना काम करते रहे, और एक बात है ना, हाथे हाथी चलता जाए डॉट डॉट डॉट। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन अब बीजेपी के होने वाले हैं। शुक्रवार को रांची में बीजेपी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में चंपाई अपने हाथों में कमल थाम लेंगे, और बुधवार को जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद चंपाई बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। बीजेपी में आने से पहले चंपाई का पैतृक घर और पूरा गांव भगवामय हो चुका है। जेएमएम से 5 दशक का रिश्ता तोड़ अब चंपाई बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। शुक्रवार को चंपाई आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले चंपाई के सरायकेला स्थित जमशेदपुर गांव भगवा में नजर आ रहा है। केसरिया रंग में रंगा यही चंपाई का पैतृक आवास है। गांव के घर और चंपाई का दफ्तर सब कुछ भगवा में रंग में दिख रहा है। वो जो फैसला लेंगे हम लोग वही मानेंगे। सियासत में कब सुर बदल जाए वो चंपाई के गांव में देखने और सुनने को मिला, जब वहां के ग्रामीण जय श्री राम का नारा लगाते दिखे। खैर, भगवा रंग से निकलते हुए बात चंपाई के शुक्रवार को बीजेपी में शामिल होने की। रांची में चंपाई आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। चंपाई कहते हैं बहुत सोच समझकर बीजेपी में शामिल होने का उन्होंने फैसला किया है। आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने के लिए आवाज उठाते रहेंगे। आना बड़ा सोच समझ के हमने उस पार्टी में ज्वाइन करने जा रहे हैं, और वहाँ से हम आदिवासी के अस्तित्व को बचाएंगे। सरकार जो आदिवासी अस्तित्व जो आज मिटते जा रहा है, जनसंख्या घटते जा रहा है, हम उस जगह से आवाज उठाएंगे पूरे झारखंड प्रदेश में। अरे कल आपका क्या प्रोग्राम? कल तो हमारा सदस्य ग्रहण करना है भारतीय जनता पार्टी। कल के बाद में जो हमको जो जिम्मा देंगे बस उसी जिम्मा को निभाएंगे प्रदेश में। रांची के धुरवा गोल चक्कर मैदान में बीजेपी का मिलन समारोह आयोजित होगा। चंपाई सोरेन बीजेपी का दामन थामेंगे, बीजेपी के कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी, बीजेपी के झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हिमंत बिस्व शर्मा सहित कई नेता मौजूद रहेंगे। भगवा रंग में रंगने जा रहे चंपाई की बीजेपी में शामिल होने की तस्वीर पर सभी की नजर टिकी होगी, जब चुनाव से ठीक पहले कोल्हान टाइगर जेएमएम की जगह बीजेपी का झंडा उठाते दिखेंगे। न्यूज 18 के लिए सरायकेला से आशीष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने चंपाई सोरेन का जेएमएम से मोह भंग होने के पीछे बीजेपी को वजह बताया है। बन्ना गुप्ता ने कहा कि ये सब कुछ बीजेपी का किया कराया है, लेकिन बीजेपी जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है वो अंत तक पूरे नहीं होंगे। ज्वाइन कर लेंगे, कहा था आप लोगों को, तो आप लोग तो विश्वास हमारे ऊपर नहीं करते हैं। आप तो सोचते हैं कि हम झूठ फरेब कर रहे हैं। हमने तो कहा था आप लोगों को कि सारी चीजें जो है पीछे भाजपा जो है खेल खेल रही है, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस सरकार के अंतिम दिन तक मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखती रहेगी और मुक्की खाती रहेगी और इस सरकार को गिराने की साजिश रचती रहेगी। आप लोग सफल नहीं होंगे। आप लोग पे आरोप लगा कि आप लोग जासूसी करा रहे थे, बन्ना जी आप लोग जासूसी करा रहे थे। हम लोग जी बीजेपी कह रही है हम लोग जासूस है गोपी चंद। विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सरकार ने मास्टर स्ट्रोक लगाया है। झारखंड में जिन उपभोक्ताओं की 200 यूनिट तक बिजली फ्री की गई है उनका पुराना बिल भी माफ कर दिया गया। सरकार के इस फैसले से 39,44,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। हेमंत सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, राजकीय अग्निवीरों के शहीद होने पर उनके एक आश्रित को सरकारी नौकरी और परिवार को 10 लाख रुपए की मदद का फैसला किया गया है। राज कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी 230% से बढ़ाकर 239% कर दिया गया। सरकार ने यह निर्णय लिया है
अग्निवीर में शहीद होने वाले जो झारखंड के जवान होंगे उनके परिवार को झारखंड पुलिस के तर्ज पर सम्मान दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य में गरीबों का जो बकाया बिजली का बिल था वो भी अब माफ कर दिया गया। सहायक पुलिस कर्मी का भी सम्मान होगा, सैया बहनों का भी सम्मान होगा। आप देखते रहिए, अगला मंत्रिपरिषद की बैठक होगी तो फिर आप लोगों के पेट में कुतूहल होने लगेगा, चिंता मत कीजिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिन 365 नवनियुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया उनमें एक ट्रांसजेंडर भी है। झारखंड के इतिहास में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को अनुबंध पर नियुक्ति किया गया है। पश्चिम सिंहभूम की रहने वाली अमीर महतो किसान परिवार से होने के बाद भी एमएससी तक की पढ़ाई की। उनकी माँ नर्स बनना चाहती थी लेकिन वो नहीं बन सकी। अब वो अमीर महतो ने अपनी मां के सपने को पूरा कर दिया। झारखंड के इतिहास में पहली बार एक ट्रांसजेंडर को नियुक्ति पत्र दिया गया है। सीएचओ के पद पर नियुक्त हुई हैं। वैसे तो अनुबंध पर ये नौकरी मिली है लेकिन इनके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आई है। सबसे पहले तो मैं आपको परिचय करा दूं, ये इनका नाम अमीर महतो है और अमीर महतो पश्चिमी सिंहभूम से है और उनको वही जिला भी मिला है। मुझे लगता है कि आपने देखा होगा इसमें आपका नाम वेस्ट सिंहभूम में ही दिया गया है। सबसे पहले अमीर जी, ये पुरानी अगर हम बात करें, आपने कहाँ से पढ़ाई शुरू की और पढ़ाई में कैसे थी? अभी क्या कभी सोचा था कि ये बनना है, हेल्थ में ही जाना है? सबसे पहले तो मैं नमस्कार करना चाहती हूँ। मैं पश्चिमी सिंहभूम जिला से हूँ, अमीर महतो नाम है मेरा। पढ़ाई में तो ऐसे मुझे कोई मैंने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई है और यदि होती थी भी तो मैं नज़रअंदाज करती थी क्योंकि मुझे पढ़ना था, क्योंकि मैं बहुत गरीब घर से हूँ, बहुत ही गरीब घर से हूँ। इसीलिए मुझे मैंने मम्मी हर समय बोलती थी कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। पापा भी मेरे एजुकेटेड ही थे तो हर समय पढ़ाई के लिए मुझे ये करते थे, तो इसीलिए मैं पढ़ाई को आगे। आपने कहा कि बहुत गरीब परिवार से, पापा जी क्या करते थे? मेरे पापा जी फार्मर है, फार्मर है, किसान है। हाँ, किसान है। पढ़ाई लिखाई आपने कहाँ से की? पढ़ाई लिखाई में मैं मनोहरपुर जिला, मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र में, हाँ मनोहरपुर से की थी और मैं बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग में संबलपुर यूनिवर्सिटी से की। आमिर जी, आपको कुछ याद है कि अगर झारखंड में अगर हम लोग बात करें कोई ऐसा ट्रांसजेंडर है जो इतनी दूर तक उच्च शिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ा हो, आपने कभी सुना किसी से? पढ़ाई तो बहुत कर रहे हैं लेकिन कम आउट नहीं हो पा रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट बहुत ज़्यादा होती है, वो सबको बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि पैसे की वजह से आपको कोई परेशानी उठानी पड़ी हो? पैसे की वजह से तो बहुत सारी परेशानी थी, जैसे मैं टेंथ करने के बाद ही मैं अपना मैंने पढ़ाई के लिए काम करना शुरू कर दी थी, कुछ कुछ काम करती थी, थोड़ा बहुत आता था उसमें मैं पढ़ाई करती थी। क्या काम करती? मेरी मम्मी को नर्स बनने की इच्छा थी बट मेरे घर की कुछ कुछ प्रॉब्लम थी तो मम्मी को करने के लिए नहीं दिए, इसीलिए मैं सोची कि मम्मी के सपने थे। हाँ, मम्मी के सपने को मैं पूरा किया। अभी ये जानकारी मिल गई मम्मी पापा लोग को, अभी कैसा लगा? पता है, बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं। तो देखिए, ये अमीर महतो जी हैं और ये कह रही हैं कि मम्मी का जो सपना था उसे साकार किया है। मम्मी नर्स बनना चाहती थी, वो नहीं बन पाई लेकिन ये सीएचओ बन गई है। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है, ऑटो यूनियन की हड़ताल थी वो खत्म हो गई है। कल से रांची सड़कों पर ऑटो चलते हुए नजर आएंगे। आयुक्त के साथ बैठक के बाद बात बन गई है। रूट में बांटे गए ऑटो की परमिट पर रोक लगा दी गई है। रूट के विरोध में भी हड़ताल थी, 27 अगस्त से यह हड़ताल चल रही थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब ऑटो जो रांची की सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आएंगे, जो आज और कल दौड़ते हुए नजर नहीं आए थे, आयुक्त के साथ बैठक में बात बन गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑटो कल से चलेंगे। रूट में बांटे गए परमिट पर अब रोक लगा दी गई है। जो पहले परमिट बांटे गए थे, जो रूट बांटे गए थे उस परमिट पर रोक लगा दी गई है। अब उसके बाद हड़ताल भी खत्म कर दी गई है। 27 अगस्त से हड़ताल पर थे ऑटो चालक लेकिन कल से ऑटो चलने शुरू हो जाएंगे।
पाकुड़ में कोल ट्रांसपोर्टर हकीम मोमिन के घर सीबीआई की छापेमारी जारी है। हकीम मोमिन के रामपुर स्थित घर पर सीबीआई की 4 सदस्यीय टीम की छापेमारी जारी है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की टीम ने परिवार वालों के मोबाइल को जब्त किया, घर के मेन गेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और मीडिया कर्मियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। खबर लोहरदगा से है, जहां यौन शोषण के आरोप में जेएमएम के पूर्व जिलाध्यक्ष यूसुफ अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया। महिला थाना पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद यूसुफ अंसारी को जेल भेज दिया। आरोप है कि महिला को शादी का झांसा देकर 3 साल तक उसके साथ यौन शोषण किया गया और बाद में मुकर गया, जिसके बाद पीड़िता ने महिला थाने में दुष्कर्म और धोखा का केस दर्ज कराया। पूर्व में भी आरोपी यूसुफ नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के आरोप में जेल जा चुका है। व्यक्ति की अरेस्टिंग हुई है, उनको विधिवत तरीके से अरेस्ट करके जेल भेजा गया है। उनका नाम यूसुफ अंसारी है और आज ही कल उनकी अरेस्टिंग हुई थी, छापेमारी कर आज उनको जेल भेज दिया। उनका आपराधिक इतिहास भी पाया गया है और उनको जेल भेज दिया गया है। फर्दर और भी जो मामलों में अगर उन पे आरोप कुछ और भी है, उनकी भी कार्रवाई की जाएगी और गहनतापूर्वक जाँच की जाएगी। और जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू की धमकी भरा वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के जरिए इस गैंग ने पुलिस को खुलेआम धमकी दी है। इस दीवार पर किस्म किस्म के खतरनाक हथियार टंगे हुए हैं। कहीं AK-47 चमचमा रहा है तो कहीं कार्बाइन की चमक से आंखें चौंधिया रही हैं। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को, यहां से वहां तक जिस तरफ भी नजर घूम रही है, चारों ओर से टंगे ये हथियार हर किसी को डरा रहे हैं। ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो को जारी किया है कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू गैंग ने। गैंगस्टर अमन साहू झारखंड का कुख्यात अपराधी है। उसने 17 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा था। उसने 12वीं पास करने के बाद डिप्लोमा की पढ़ाई की, इसके बाद मोबाइल की दुकान भी खोली, अपराधियों के संपर्क में आ गया और जल्द ही कुख्यात गैंगस्टर बन गया। फिलहाल अमन साहू जेल में बंद है। इस पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। गैंग के गुर्गे कारोबारियों से रंगदारी वसूलते हैं। इस गैंग का हाथ हत्या और कई आपराधिक वारदातों में रहा है। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर सवाल उठ रहा है कि यह हथियार आए कहां से? क्या कुख्यात अमन साहू गैंग के पास हथियारों का ये जखीरा पहुंच गया है? अगर हां तो ये गैंग इन हथियारों के जरिए एक बार फिर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में पोस्ट किए गए इस वीडियो ने झारखंड पुलिस के कान खड़े कर दिए हैं। इस वीडियो के साथ ही गैंग ने पुलिस को धमकी भी दी है। इस पोस्ट में लिखा गया है कि अगर जेल में बंद अमन गैंग के किसी अपराधी को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी और अंजाम बेहद बुरा होगा। गैंगस्टर ने यह भी धमकी दी है कि गैंग के सदस्य को परेशान किया जा रहा है, अगर जेल के अंदर या बाहर गैंग के अपराधियों का ध्यान ठीक से नहीं रखा गया तो इसका अंजाम बेहद बुरा होगा। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहे इस धमकी भरे वीडियो में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि एक साथ सैकड़ों AK-47 से लेकर कार्बाइन जैसे खतरनाक हथियार नजर आ रहे हैं। साथ ही इससे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल उठ रहा है कि इस वीडियो के जरिए अमन साहू गैंग क्या जताने की कोशिश कर रहा है? क्या ये वीडियो पुलिस पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है? क्या इस वीडियो के जरिए ये गैंग किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहा है? ये बात तो जरूर है कि इस वीडियो ने झारखंड पुलिस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। चक्रधरपुर रेल मंडल के सोनुआ में एक बड़ा हादसा टल गया। मालगाड़ी के खुला दरवाजे से टकराकर फुट ओवर ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया।
बताया जा रहा है कि चक्रधरपुर रेल मंडल के सोनुआ स्टेशन पर रेल लाइन से गुजर रही एक मालगाड़ी का दरवाजा खुला हुआ था। रेलवे फुट ओवर ब्रिज के पिलर से टकराने से पिलर और ओवर ब्रिज भी क्षतिग्रस्त हो गया है। और अधिक जानकारी दे रहे न्यूज 18 संवाददाता रूपेश प्रधान। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर रेल मंडल के सोनवा रेलवे स्टेशन में मौजूद हूँ और यहाँ पर आज एक मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होते होते बची। मालगाड़ी जब अप रेल लाइन से गुजर रही थी तो उस दौरान उसका जो दरवाजा है, डोर है, वो अचानक खुल गया और यहाँ पर ये जो आप ओवरब्रिज देख रहे हैं, फुट ओवरब्रिज, इसका जो बीच का पिलर था, दो मेन लाइन के बीच में जो पिलर था, उससे वो दरवाज़ा टकरा गया और टकराने के बाद ये वो पिलर क्षतिग्रस्त हुआ और उसके साथ साथ पुराना जो ओवरब्रिज है वो भी क्षतिग्रस्त हुआ। इसके जस्ट बगल में एक नया ओवरब्रिज का निर्माण शुरू हुआ है, हालांकि वो अभी तत्काल तुरंत वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। रेलवे के जो अधिकारी बता रहे हैं कि अब इस ओवरब्रिज को हटा दिया जा रहा है तो उसका काम जल्द अगले 2-3 दिनों में उसका गर्डर लॉन्च किया जाएगा और उसके बाद काम में तेजी लाएगी, जिससे कि यहां पर फुट ओवरब्रिज का निर्माण जल्द पूरा हो सके। चक्रधरपुर रेल मंडल में आप जानते होंगे कि कुछ दिन पहले ही बड़ा बांबू और राजखरसुआ के बीच एक मालगाड़ी जो डिरेल हुई थी और उसके कारण हावड़ा मुंबई मेल भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और उसके 17 बोगियां डिरेल हो गई थी। तो यहाँ भी एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन ज़्यादा इसमें समस्या नहीं हुआ। लेकिन रेल यातायात इसलिए प्रभावित नहीं हो रहा है कि इसके बगल में जो दो लूप लाइन है उससे धीरे धीरे ट्रेनों को पार किया जा रहा है। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। जोहार, झारखंड में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।